दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 30x30 हाउस प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर इस मॉडल मैंने डिजाइन किया है, जिसका साइज 30x30 30x30 हाउस प्लान विद कार पार्किंग। यहाँ पर आपको एक बेहतरीन सा डिजाइन मिलता है और हमारे सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर इस मॉडल को डिजाइन किया। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा आप मॉडल डिजाइन करें, आप हमें कमेंट सेशन में अपना साइज, अपनी रिक्वायरमेंट कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका मॉडल क्रिएट करूंगा। हालांकि मैं सभी मॉडल क्रिएट नहीं कर पाता हूं, दोस्तों टाइम नहीं मिलता, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बट किसी न किसी एक अपने सब्सक्राइबर का मैं रैंडम पिक करता हूं, उनका मॉडल क्रिएट करता हूं। मैं जल्दी दोस्तों एक वेबसाइट लॉन्च करने वाला हूं, उस वेबसाइट में आपको सारे मॉडल मिलेंगे, वहां से आप उन्हें डाउनलोड कर भी सकते हैं पूरी और 3D मॉडल में। तो आज का टॉपिक है 30x30 हाउस प्लान, उसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन पर आते हैं तो ये मॉडल आप देख पा रहे होंगे 30x30 का, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमेशा की तरीके हम इसको पहले कर देते हैं ट्रांसपेरेंट, और जैसे आप इसको करते हैं ट्रांसपेरेंट तो ये देखिएगा, ये मॉडल आपको ट्रांसपेरेंसी में ऐसा देखने लगता है। तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं, अगर साइड की बात करें तो ऐसा ये 3 साइड क्लोज्ड हाउस है 30x30 का। अब हम इसकी ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं रिमूव और आ जाते हैं इसके ओरिजिनल पोजिशन पर। तो इसकी बात करें तो 30 फीट इसका सामने से दोस्तों चौड़ाई है और 30 फीट ही इसका लंबाई है। इसी को आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा ये मॉडल 30x30 का। तो हमेशा के तरीके से हम इसको सबसे पहले ले चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पर। जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो सबसे पहले फ्रंट से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जैसे आप इसको जूम करते हैं सामने से, ये देखिएगा जूमिंग, तो ये इसका मेन डोर है और ये एक रूम है जिसमें आपका विंडो लगा है। ये आपकी स्टेयर्स हैं। जैसे मेन डोर से आप करते हैं एंट्री तो सबसे पहले मिल जाती हैं अपर साइड में आपको स्टेयर्स, जिसके माध्यम से आप ऊपर जा पाएंगे। और साइड में आपको मिल जाता है गेस्ट रूम, ये देखिए गेस्ट रूम आपको दिख रहा होगा। और ये आपका डाइनिंग हॉल टाइप का देख सकते हो, बीच में जो स्पेस मिलेगा यहाँ पर लगा सकते हैं। साइड में आपका मिल जाता है एक बड़ा सा किचन, ये देखिए किचन एरिया आपको देख पा रहे, जो कि फ्रंट से ये डोर दिया, यहाँ से विंडो करेंगे, यहाँ पर एक विंडो दिया है और इस रूम के लिए ये डोर और ये विंडो है। इसकी अगर हम बात करें पीछे की, तो पीछे सबसे पीछे आपको ये बेडरूम मिल जाता है बड़ा सा, जिसके मैंने ये डोर दिया है, और एक ये बेडरूम मिलता है। और दोस्तों ये आपका लेट एंड बाथरूम का पूरा कंबाइंड एरिया है, ये आप जो देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये डोर दिया है। और पीछे की बात करें ये दोस्तों वेंटिलेशन के लिए मैंने 3.5-4 फीट का जगह ये छोड़ रखा है। इसके वेंटिलेशन में क्या होगा, जैसे आपका ये रूम है, इस रूम में वेंटिलेशन के लिए अगर ये जगह आपकी छूटी रहेगी पीछे, तो आप यहाँ पर एक विंडो लगा सकते हैं और एक डोर लगा सकते हैं, जिससे पीछे जा पाएँ। आप स्टोर रूम भी इसको बना सकते हैं। और लेकिन अगर आप यहाँ पर छत नहीं डालते हैं तो आपका वेंटिलेशन बहुत ही प्रॉपर होगा इस रूम के लिए भी और इस रूम के लिए भी। इस रूम में भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं डोर विंडो, इससे आपका रोशनी वगैरह हवा वगैरह दोनों रूम में पास होती रहेगी। और ये लेटरिन और बाथरूम है, आप पीछे एक विंडो लगा दें जिसमें जो भी चीज़ें होती वो सब वेंटिलेशन का प्रॉपर लेटरिन और बाथरूम भी होता रहे। तो ये आपका किचन, ये बेडरूम, ये बेडरूम, ये, तो यहाँ पर आपको 3 बेडरूम मिल जाते हैं, जिसमें कि एक बड़ा सा बेडरूम है, ये वेंटिलेशन के लिए है, मतलब कि हवा वगैरह पास होती रहे, रोशनी जाती रहेगी। ये आपका लेटरिन और बाथरूम है, ये आपका किचन है, ये आपका स्टेयर्स है। तो ये पूरा 30x30 में हाउस डिज़ाइन मैंने क्रिएट किया है दोस्तों। और ये वीडियो कैसा लग रहा हो, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको मॉडल पसंद आ रहा हो तो। और साथ साथ अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कर लें। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। जैसे आप लास्ट फ्लोर पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने चारों तरफ बाउंड्री बना दी है 3 फीट की, और कुछ भी नहीं डिजाइन किया है। स्टेयर्स को ढक दिया है यहाँ पर मैंने, ये देखिएगा, और यहाँ पर एक डोर दे दिया है। ये 2.5 से 3 फीट का छज्जा आगे निकाल दिया, इसमें आप रेलिंग देख पा रहे होंगे। और ये पूरा मॉडल आपका क्रिएट हो जाता है 30x30 में। हमारे सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर मॉडल को डिजाइन किया है। तो वीडियो कैसा लगा, हमारा मॉडल आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक से जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो हमारे पेज न्यू टेक को फॉलो कर लें, हमें इंस्टाग्राम ट्विटर हैंडल भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कोई रिक्वायर्ड मॉडल हमें कमेंट करें, साथ साथ वीडियो को लाइक से जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।